तुम अपने बचपन के दोस्त की गवाही मत दो। आंखों से देखा कभी झूठ हो सकता है, मगर मुझे जो प्रूफ मिला है वो झूठ हो ही नहीं। कि किसी पिटे अल्फाज से मेरे दुखों का मतावा हो जाएगा। जो रंग छीन लिए, क्या वो रंग वापस ला सकते हो? कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। सब किया उसके लिए मैं, तो क्या खुदा भी कभी तुम्हें माफ कर, तुम इसी वक्त यहाँ से। रात प्रोमो की आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखेंगे। सलार ने ईमान से शादी तो कर ली, सबकी मुखालफत मोल लेकर अब ये शादी सबको खटक रही है। कोई भी ये शादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और सलार का मामू जो हमेशा सलार पर अपनी मनमानी करता आया, अपना हुक्म चलाता आया, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सलार ने उस लड़की से शादी कर ली जिससे वो सख्त नफरत करता है, जिससे उसे मिलने से भी वो मना करता था, उसे हमारी बहू बनाकर इस घर में ले आया। अब वो तो नहीं चाहेगा कि कभी भी ये शादी चले और पूरी कोशिश करेगा ईमान और सलार की तलाक करवा दे। लेकिन सलार जो ईमान से बेहद मोहब्बत करता है, कभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ना सिर्फ उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि हर उठने वाली ईमान की तरफ उंगली को भी वो खुद रोकेगा। ईमान पर आने वाली हर मुश्किल के सामने खुद खड़ा हो जाएगा और साबित कर देगा कि वो ईमान से सच्ची मोहब्बत करता है। कौन कौन खुश है सलार और ईमान की शादी से, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।